हे गाइस, वेलकम टू लालीज किचन। होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। और अभी तो जैसे आप लोग जानते हैं कि आम का सीज़न चल रहा है एंड मैंगो इज़ माय फेवरेट फ्रूट। और अगर बात करें मैंगो की, तो सबसे पहले दिमाग में सबके अचार आता है। तो आज मैं लालीज किचन में आपको दिखाऊंगी बहुत ही इजी तरह का अचार जो आप झटपट बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल खड़े मसाले हैं जिसमें इस्तेमाल होने वाले हैं। तो और जो जिनके दिमाग में ये चीज़ रहती है कि अरे अचार डालना है, अगर अच्छे से बनेगा कि नहीं, कि अचार ख़राब हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप बड़े ही आराम से ये अचार बना सकते हैं। अचार एक्चुअली इसीलिए मतलब कि सही से नहीं बनते हैं, जब आप इसे वॉश करते हैं तो जो पानी का जो अंश रहता है, मतलब पानी छूट जाता है अचार में, तो वो चीज़ मतलब अचार को ख़राब करती है। और उसके अलावा जो आम, द क्वालिटी ऑफ मैंगो व्हाट यू आर टेकिंग, मतलब जो आम का जैसे कि नॉर्मल हम जब आम लेके आते हैं तो कुछ आम जो नीचे गिर जाते हैं वो लग जाते हैं एक्चुअली, लेकिन हमको वो पता नहीं रहता। और जब हम इसे कट करते हैं और तब भी वो दिखता नहीं, और तब उस समय भी वो ख़राब हो जाता है एक्चुअली। तो आप जब भी आम ले तो देख के ले, और अगर आपके आसपास अगर आम के पेड़ हैं तो आप उसे अच्छे तरीके से मतलब तोड़िएगा, नीचे मत गिराइएगा उसे। कहीं से भी ले रहे हैं तो फिर ये चीज़ आप ध्यान से देखिएगा कि आम जो कच्चे आम कहीं नरम ना हो या तो लगे हुए ना हो, और फ्रेश हो मतलब। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि लालीज किचन में कि ये पंजाबी अचार या पंजाबी मैंगो पिकल कैसे बनता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि मैंगो पिकल कैसे बनता है। दोस्तों, बहुत ही सिंपल पंजाबी पिकल बनाने के लिए जो मसाले हमें चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ और विधि भी बता देती हूँ कि कैसे बनाना है। तो ये है आम। आप आम को काट के एटलीस्ट एक दिन थोड़ा सा नमक डाल के आप उसको सुखा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप जिस दिन इसे कट करते हैं उसी दिन आप इसे अच्छे से पानी में धो के फैन के नीचे भी आप इसे ड्राई करके आप ये मसाले ऐड कर सकते हैं। तो पहला मसाला हम लोग जो लेने वाले हैं वो है नमक। तो नमक स्वाद अनुसार लीजिएगा जितना आपको चाहिए। उसके अलावा कनौजी है जो बहुत ही फेमस है पंजाबी पंजाबी डिशेस में, स्पेशली पिकल में। तो कनौजी आपको जितना पसंद है और जितना आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से लीजिएगा। और मेथी है, और मेथी भी दोस्तों आपको जितना खाने के लिए अच्छा लगता है, आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और दोस्तों, अगर हम पंजाबी अचार की बात करते हैं तो वहाँ पे जो सबसे बड़ा मेन जो सामान लगता है वो है सौंफ। आप अगर देखते हैं तो ज़्यादातर पंजाबी डिशेस में सौंफ का इस्तेमाल होता है। तो ये है सौंफ, मैं कुछ ज़्यादा ही इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, सौंफ का ज़्यादा ही इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसके अलावा मैं रेड चिल्ली ले रही हूँ। तो रेड चिल्ली आपको जितना तीखा चाहिए उतना ही आप यूज़ कीजिए रेड चिल्ली। मैं यहाँ पर एक्चुअली कुछ थोड़ा ज़्यादा ही रेड चिल्ली ले रही हूँ, क्योंकि जो आम मैंने लिया है वो एक्चुअली थोड़ा सा खट्टा है। और इसके अलावा मैं हल्दी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और वैसे ही आप हल्दी जितना लेना चाहते हैं आप एक बार देख लीजिए। और अभी इसके अलावा जो लास्ट जो आइटम है वो है सरसों का तेल। कोई भी सरसों का तेल आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी फॉर्च्यून का सरसों का तेल लिया है। तो आप कोई भी जैसे कि कच्ची धानी या तो धारा, तो इस तरह से आपको ये लेना है। तो अभी हम इसे क्या करेंगे, मिक्स करेंगे एक्चुअली हम इसे। तो आपको ये याद रखना है कि ये मतलब एकदम सूखा रहना चाहिए, मतलब जो मसाले जब आप मिक्स कर ले तो एकदम ये सूखा रहना चाहिए, मतलब ज़्यादा भी मतलब ऑयली नहीं चाहिए, सूखा रहना चाहिए। आप अपने हिसाब से ही जो खड़े मसाले हैं, सौंफ है, कनौजी है, मेथी है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें आम डालूंगी
और आम, इसे आम को जो मसाला है उसमें मैं मिक्स कर दूंगी। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने मसाला और आम मिक्स कर लिया है, ये कुछ इस तरह से दिखती है। ये आपको मैंने दिखाने के लिए ही छोड़े हैं इतने आम, और अभी मैंने इसको एक कंटेनर में डाल दिया है। और उसके बाद मैंने इसमें सरसों का तेल भी ऊपर से मैंने इसमें डाल दिया है। आप भी सरसों का तेल जैसे आप डब्बे में डाल दें, आप सरसों के तेल को ऐड कर दीजिए। आपको जितना मतलब कि ऑयल जितना ज़्यादा पड़ता है एक्चुअली अचार में, उतना ही अच्छा मतलब ऑयल मतलब अचार है वो उभर के आता है। तो और जैसे ही मैंने मसाले में बहुत ही कम डाला था ऑयल, तो अभी मैंने ऑयल ऑलमोस्ट हाफ बॉटल तक देख सकते हैं आप मैंने डाला है, तो उसी हिसाब से आप डालिएगा। और जितना आम आप ले रहे हैं उसके हिसाब से ही आप ऑयल को ऐड कीजिएगा। तो क्या करना है आपको, अभी इसे ढक्कन लगा के हर दिन आप इसे धूप में रखिएगा, ऑलमोस्ट लाइक एटलीस्ट आप 10 दिन के लिए तो आप इसे धूप में रखिएगा, ताकि ये अच्छे से मतलब गल जाए और अच्छा इसे धूप मिले। और जब भी आप धूप में रखें तो इसे अच्छे से हिला के ही रखिएगा, मतलब ऊपर नीचे करके, ताकि जो मसाला नीचे सेटल हो जाता है तो फिर वो एक ही तरफ मतलब कि घुलता है। तो आप जब इसे अच्छे से हिलाएंगे तो तब जाके ये मसाला हर आम के जो टुकड़े हैं उसमें मिलता है। जब भी आप इस कंटेनर को धूप में रखें तो उस समय आप इस डब्बे को अच्छे से हिला के ही मतलब ऊपर नीचे करके आम है जो इसके अंदर मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए, तो उस प्रकार से आप धूप में अच्छे से सेकिएगा। आप जैसे कि धूप निकलती है 10 बजे के बाद में, जैसे जब भी धूप आपको दिखे तो आप उस समय धूप में इस डब्बे को रखिएगा। ऑलमोस्ट एक 10 दिन तक आप ये प्रक्रिया कीजिएगा, तो उसके बाद में आप ये आम है जो खाने के लिए तैयार रहेंगे। और दिस इज़ हाउ यू कैन मेक वेरी ईजी एंड वेरी डिलीशियस पंजाबी पिकल। मैंने देखा है कि सब लोग के दिमाग में यही चीज़ रहती है कि कैसे बनाएं, और आप देखते हैं तो बहुत लोग के हाथों से मतलब ये अचार अच्छे से नहीं बनता है। ये सब टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, ये सब बातें हैं। इट इज़ डिपेंड्स ऑन द हाउ यू आर मेकिंग द पिकल और किस तरह से आप चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज़ हाउ द पिकल विल गेट रेडी इन लालीज किचन। आई होप यू लाइक दिस पिकल एंड यू मस्ट ट्राई इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग लालीज किचन। हैव अ वंडरफुल डे।